हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी गाइम्स यूट्यूब चैनल में, एंड मैं हूँ शिव। तो आज का हमारा जो इस पार्ट है, इस पार्ट में हम आपको कुछ कमेंट का आपके कुछ कमेंट का रिप्लाई देंगे, जो हकीकत में वहाँ पर लिख के ना देने से, मुँह में कहने से जो है अच्छी बात होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज संडे कमेंट बॉक्स हो जाइए, बिकॉज आज संडे है एंड संडे में संडे कमेंट बॉक्स होना चाहिए। मुझे ये मानना है कुछ कुछ कमेंट का रिप्लाई देने से थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आज की डेट में जो है हम वहाँ पर रिप्लाई देंगे। वहाँ पर आप देखो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देखो, हम सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई हम दे रहा हूँ, बट कुछ जो है प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रही है? बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रॉब्लम, वो जो है सॉल्व वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर सॉल्व नहीं होने से थोड़ा बहुत दिक्कत आ जा रहा है। तो हम सोच रहा हूँ संडे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको जो है वो प्रॉब्लम पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाए। तो चलिए, छोटी सी इंट्रो के बाद फिर से लौटता हूँ, तो आप देखते रहिए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे के सारे वीडियो पहले पाने के लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए एंड उसके बाद ऑल पे क्लिक करिए। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आप सबसे आगे एंड बहुत ही सीक्रेट वीडियो आप इस चैनल से पा सकते हो। हाँ, तो दोस्तों वेलकम बैक। तो हम यहाँ से 10 क्वेश्चन को यहाँ पर पिक किया हूँ एंड 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सुनना चाहिए एंड ये इस क्वेश्चन को बहुत ही रिपीट आ रहा है। तो पहली जो क्वेश्चन है वो पूछा है अरुण कुमार ने पूछा है, हम आप जो है क्वेश्चन देख सकते हो। दो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, भाई मेड इन मलेशिया या मेड इन स्विट्जरलैंड इंडिया का पेन ड्राइव कौन सी अच्छी है? मेरा मलेशिया वाला है, कहीं ये लोकल तो नहीं है? पहले मैं एक इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए भाई, मलेशिया फालेशिया कुछ नहीं, आप सेब और सेब ब्रांड देखो, मुझे यही कहना है। आप सैंडिक्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे, सैंडिक्स सैमसंग बहुत कंपनी है, आप देख सकते हो। बट यहाँ से जो है आप जो बोल रहे हो मलेशिया या स्विट्जरलैंड, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सेब और सेब ब्रांड देखो एंड रेटिंग देखो वहाँ पर जिससे खरीद रहे हो। तो यहाँ पर सेकेंड जो है वही अरुण कुमार ने क्वेश्चन किया है, भाई आपके पेन ड्राइव पर क्या लिखा है, मेड इन मलेशिया या आप भी यूज़ कर रहे हैं? पेन ड्राइव अच्छी होता है ना, ये वाली मलेशिया आप, हम आपको बोल दिया हूँ मलेशिया आप नहीं देखो, सेब और सेब ब्रांड देखो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप मलेशिया या कनाडा या चाइना वो ना देख के आप सेब और सेब ब्रांड देखो, मुझे यही कहना है। ये दो क्वेश्चन का एक ही जो है आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पर से पिक किया हूँ एक। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बीरू कुमार के, भाई कनेक्ट कैसे करूं मोबाइल से, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करूं मोबाइल से? तो हाँ, मैं यहाँ पर सिंपली बोल देता हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट कर रहा है भाई ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करूं फ़ोन से। तो ये क्वेश्चन रहता है, जब जो इंसान फास्ट ब्लूटूथ को ऑन करता है तो वो जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है कैसे ऑन करते हैं। तो हम आपको बोल देता हूँ, ब्लूटूथ का जो मिडिल ऑप्शन है, मिडिल का जो स्विच है, आप देखिए प्लस एंड माइनस के, प्लस एंड माइनस के जो मिडिल स्विच है उससे आप थोड़ी देर दबा के रखो एंड जो है साइड में लाइटिंग देखिएगा ऑन हो जाएगा, जो है रेड येलो या ब्लू जो आएगा, ग्रीन वगैरह आएगा, वो लाइट जब तक ऑन नहीं होगा आप तब तक प्रेस करके रखना एंड आपके मोबाइल का जो ब्लूटूथ है आप जो है ब्लूटूथ का सेटिंग पर चले जाना एंड ब्लूटूथ का सेटिंग पर जाके वहाँ से ब्लूटूथ को टर्न ऑन कर देना है एंड टर्न ऑन करने के बाद वहाँ से आपका जो हेडफोन है, जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसे सिंपली पेयर कर देना है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा एंड वहाँ पर देखिएगा आपके जो ब्लूटूथ आप खरीदे हो सपोर्ट, हम यहाँ पर बॉट की तरफ बोलता हूँ, आप वहाँ से देखोगे बॉट की जो है वो सिंबल आ जाएगा, उसका आपको पेयर क्लिक करना है एंड वो जो है खुद ब खुद पेयर हो जाएगा एंड आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल ये फंड है। एंड कोई बंदा जो है पूछा है कि जब ब्लूटूथ का जो है कैसे
जो है अनकनेक्ट करे, यानी कि ब्लूटूथ को कैसे ऑफ करे। तो हम यहाँ से सिंपली उसे बोल दिया हूँ कि सांडे कमेंट बॉक्स को देखो, तो हम यहाँ से बोल रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट आप जो है कनेक्ट, तो हम बोल दिया अनकनेक्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हो। देखो वहाँ से जो मोबाइल का जो ब्लूटूथ है ना टर्न ऑन किया था, उसे सिंपली ऑफ कर दो, आपका ब्लूटूथ अनकनेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। एंड आपके ब्लूटूथ के जो स्विच आप दबा के रखे थे, जो है प्रेस करके रखे थे 7 से 8 सेकेंड, वो फिर से वही आप जितनी वक्त से प्रेस करके रखे थे उतनी वक्त तक प्रेस करके रखो, देखो कि वहाँ पर से लाइट जा रहा है या नहीं। वहाँ से लाइट जा रहा है, लाइट चला गया और नहीं ब्लिंक कर रहा, तो आप समझो कि आपके ब्लूटूथ जो है ऑफ हो गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन है सानकर न्यांदू के तरफ से, व्हिच इज़ द बेस्ट 1.5 टन एसी मॉडल ब्लो 42,000। तो हम यहाँ पर बोलूँगा, देखिए एलजी का जो 5-स्टार एसी है, एलजी का जो हमने ख़रीदा हुआ, हम जो है यूज़ कर रहा हुआ अभी, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ वो यूज़ हो रहा है एंड बहुत लोड उसमें पड़ रहा है, बट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने उसे जो है मीटर में देखा भी था, उसमें जो है लगभग 8 घंटे यूज़ करने से उसमें जो है बिल आता है लगभग 25 रुपीज़ के आसपास 8 आवर के। तो यही फंडा है आपके वहाँ पर बिल का रेटिंग क्या है, 7 रुपया या 8 रुपया आपके वहाँ से मालूम पड़ता है। एंड वहाँ पर जो हुई बेस्ट, हम यहाँ पर कहूँगा LG इज़ द बेस्ट, LG का एक थम्स अप मिलना चाहिए। एंड आप दूसरी तरफ देखना चाहते हो तो यहाँ पर हिताची आप मान के चलो, हिताची आपको लेना है, नहीं तो LG तो बहुत ही अच्छी ब्रांड है मुझे लगता है। यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि LG गिरा हुआ कंपनी है, LG का जो AC है वो कूलिंग अच्छे तरीके से नहीं करता वगैरह वगैरह, तो उसे हम कहना चाहता हूँ भाई आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। LG को हम यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 टन 5-स्टार जो है AC है, बहुत ही अच्छी काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रहा। तो ये बात छोड़ो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये जो है संदीप मसारी की तरफ से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव एक्साइड 230 AEs एंड एक्साइड इन्वर्टर 1450 VA, देयर इज़ one problem in that when power cut off 1 hour and when it come then inverter does not change charging start only there is। तो इस भाई ने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन मैं समझ गया कि ये जो है बोल रहा है कि हमारे जो इन्वर्टर जो है वो लगभग चार्ज करके ही जा रहा है, वो चार्ज को नहीं छोड़ रहा। तो हम वहाँ पर कह रहा हूँ कि एक बार चार्ज लो होने जाने से आपको जो इन्वर्टर है माइक्रोटेक, यहाँ पर एक्साइड इन्वर्टर लिखा है एंड एक्साइड इन्वर्टर पे थोड़ा बहुत मालूम है मुझे भी, वो जो है 4 आवर्स लगभग चार्ज करता है, कोई भी बैटरी 4 आवर्स लगभग चार्ज करता है। चार्ज 4 आवर्स के बाद आप देखो, 4 आवर्स के बाद आप सिंपली देखो उसके बाद क्या होती है, आपके जो है चार्ज जो है ख़त्म होता है या नहीं, वहाँ पर स्टॉप होती है या नहीं। स्टॉप नहीं होती है तो आपको इन्वर्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत है, वहाँ से आपके इन्वर्टर के जो है इलेक्ट्रीशियन है उसको आपको लेना होगा, आने को बोलना होगा, यही फंड है। तो मुझे ये लगता है आपके जो है बैटरी का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके इन्वर्टर का ही थोड़ा बहुत दिक्कत है, आप सिंपली इलेक्ट्रिशियन को बोल के सही कर सकते हो। अब यहाँ पर वो कमेंट का हम रिप्लाई भी दिया हूँ, सेम का रिप्लाई हम बोल जो बोला हूँ वही रिप्लाई हम इसे भी दिया हूँ। एंड वो कह रहा है दोनों ही न्यू है, एक्साइड इन्वर्टर 22 जुलाई 2020 को लिया, एक्साइड बैटरी जुलाई 2019 को लिया। तो एक्साइड बैटरी आप 2019 को लिया, मुझे लगता है वो जो बैटरी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, जो इन्वर्टर जो आप लिया हो एक्साइड के तरफ से वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे लगता है। बिकॉज क्यों, इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत लो हो गई है एंड आपके जो इन्वर्टर आप ख़रीदे हो वो बहुत ही हाई वेरियंट के हैं एंड बहुत ही न्यू जनरेशन के हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे लगता है। इसके लिए आपको जो है क्या करना चाहिए, आप सिंपली आपके बैटरी को जो है बैटरी के आप वारंटी के अंदर ही है, मैं देख रहा हूँ 2019 यानी 19
2021-22 पर आपको 26 ईयर तक आपको वारंटी सिंपली मिल रहा है, तो आप सिंपली इसे जो है इलेक्ट्रिशियन से दिखा लो ना एक बार तो ठीक हो जाएगा। बैटरी का थोड़ा बहुत दिक्कत है मुझे लगता है अभी। आपको जो इन्वर्टर है वो बहुत ही हाई वेरिएंट का है, एंड आपको जो बैटरी है वो लो वेरिएंट हो गया है। आप हाई वेरिएंट खरीदे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, बट आप जितनी देर से यूज़ कर रहे हो मुझे लगता है बैटरी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साइन ओली की तरफ से। यहाँ पर बोल रहा है ये सेटअप कंप्यूटर सब तूने तेरे पैसे से लिया है क्या? तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी हम यहाँ पर लिया हूँ, एंड एसी भी हम लिया हूँ, एंड जो भी हम यहाँ से ख़रीद रहा हूँ ये सब मेरे पैसे से है। यहाँ पर कोई भी यूट्यूब का पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो यही मुद्दे की बात है, एंड क्या मैं कहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, एंड यहाँ पर ये बोल रहा है सुवन प्रदीप सिंह, यहाँ पर बोल रहा है भाई मैंने 450 के लिया है सेम, यानी कि यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में बोल रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का ऑनलाइन, ब्लूटूथ छोड़ो सब मॉडल का यहाँ पर ऑनलाइन में जो है प्राइस अप या डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कम में लिए हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा से लिया हूँ, यही दिक्कत है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अप डाऊन होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है आकाश चौधरी ने, यहाँ पर बोला है भाई डिलीट मीडिया नहीं आ रहा है। डिलीट मीडिया नहीं आ रहा है यानी कि जो है WMR की जो है बोल रहा है, WMR का जो डिलीट मीडिया है वो नहीं आ रहा है ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहा है, बहुत क्यों, ये मुझे लगभग 2000 आ गया यही कमेंट। इस कमेंट का रिप्लाई हम पूरा देंगे आज। देखिए पहली बात जो है WMR मैं क्या कहूँ, मुझे जो है शब्द नहीं मिल रहा ऐसे, मैं क्या कहूँ, WMR कभी कम कर रहा है कभी कम नहीं कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। मैं वहाँ पर उसका फीडबैक भी दिया हूँ ईमेल से, तो वो ईमेल जो WMR के डेवलपर है वो बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, जब भी हम ईमेल करते वो सेम बात मुझे कहता है सर्वर डाउन है। अब देखिएगा जब आप मैसेज करते हो डिलीट करते हो, कुछ मैसेज डिलीट कर दिया है दूसरे ने, तो जो है डिलीट खुद ब खुद कभी कभी आ जाता है, वो जो है लगभग कभी कभी आ जाता है, बहुत बहुत वो नहीं आता, जो पिक्चर है वो जो ऑडियो है बहुत बहुत नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है। आप फॉलो करिएगा ये बात आप फॉलो करिएगा, कभी कभी आता है, बहुत वक्त नहीं आता कभी कभी। तो बहुत ईमेल किया हूँ, उस फीडबैक दिया हूँ WMR के डेवलपर पर, एंड उसका जो भरोसा जो है उठ गया है मुझसे, और दो चार बार ईमेल करूँगा, एंड कौन सी रिप्लाई आती है मैं देखूँगा, उसके बाद मैं वो ये कमेंट पिक करना छोड़ दूँगा, एंड इस कमेंट का जो है आंसर हम नेक्स्ट वीक में देंगे, नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। ये जो है हमारी फर्स्ट संडे कमेंट बॉक्स है, एंड नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड ये पूछे है पंकज जी ने, एंड ये पूछ रहा है भाई मैंने एक साइड की 230 एस की बैटरी और माइक्रोटेक का 1400 वाला इन्वर्टर लिया है, मुझे पूछना है कि इसमें ओनली 3 किलिंग फैन कितना घंटा चल सकता है। तो हम यहाँ पर बोल रहा हूँ ये जो 3 फैन है ये अनलिमिटेड चल सकता है। मैं क्यों बात ये कह रहा हूँ, देखिए आपके वहाँ पर करंट की जो फ्लक्चुएट होती है, जो लाइट है वो ऑफ एंड ऑन हो रही है, तो आपको जो है इन्वर्टर का जो पीछे जो फैन आता है वो फैन कभी नहीं रुकेगी। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ आप देखिए, जब आप देखिएगा इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड आ गया एंड आपके घर में करंट का सही कोई भी सप्लाई नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप देखिएगा वो जो पीछे का फैन जो है घूमता रहता है, एंड आपके वहाँ पर सपोज आप बैटरी को लगभग ख़त्म कर गए हो तभी लाइट आया, एंड आपके जो पीछे में जो पंखा है वो लगभग और भी ज़्यादा से घूमता रहता है। तो आपके वहाँ पर मैं कहूँगा लाइट का जो फ्लक्चुएट होती है इसलिए जो है पंखे घूमता रहता है,
क्यों है मैं कह रहा हूँ, अब देखिएगा लाइट जाने से आपका घर पे लोड आने से आपके ऊपर जो है फैन घूमता रहेगा, फैन अनलिमिटेड घूमता रहेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर मेरी बात आप समझ गए होगे कि आपके वहाँ पर करंट नहीं है, अब वहाँ पर लाइट नहीं है, ज़्यादा लोड है आपके घर पे उस इन्वर्टर से, तो वो जो पीछे का फैन है वो घूमता रहेगा इस तरह। एंड आपके वहाँ पर से जब आप लोड बहुत ही कम दे रहे हो, सपोज नहीं दे रहे हो, बट करंट वापस से लाइट आ गया है, पिछले नहीं था, पिछले बार नहीं था एंड आ गया है, जब तुरंत आ गया है तो वहाँ पर देखिएगा उसका जो फैन है वो और भी ज़्यादा से घूमता रहेगा, और भी ज़्यादा स्पीड से। तो यही था इसका कमेंट का रिप्लाई। एंड दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ता हूँ, एंड ये बोल रहा है निरंजन रॉय की तरफ से। यहाँ पर निरंजन रॉय बोल रहा है, भाई मेरे एक सवाल है, मैं ऑलरेडी लुमिनस जिलियो 1100 VA का इन्वर्टर खरीद के ला रखा है, क्या इस इन्वर्टर से एक्साइट का 230 AH बैटरी अच्छी से चलेगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो भाई यहाँ पर हम आपको बोल रहा हूँ, ये जो एक्साइट का 230 AH का जो बैटरी है ये बहुत ही अच्छी काम करेगा, यही इसका जो है रिप्लाई है, बहुत ही अच्छी काम करेगा, नो डाउट। यहाँ पर लुमिनस का जो आप जो भी इन्वर्टर ले रहे हो, आप 1100 ले रहे हो, मेरे पास भी 1100 है, बट हमारे पास माइक्रोड है, आपके पास लुमिनस है, आपको यहाँ पर एक सपोर्ट नहीं मिलेगा। लुमिनस में जो है ब्लूटूथ का, यहाँ पर वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वाईफाई के माध्यम से आप जान सकते हो कि आपकी बैटरी लेवल कितनी है या नहीं, बट आप यहाँ पर जो बैटरी है एक्साइट के ले रहे हो तो आप उसे समझ नहीं सकते, उसमें वो सपोर्ट नहीं करेगा। एंड लुमिनस जो है अलग करके जो है एक बैटरी को वो बेचता है, वो अलग करके सेल करता है लुमिनस की बैटरी, वो बैटरी आप लोगे तो आपको जो है वाईफाई के माध्यम से आप पूरा का पूरा बात समझ जाओगे कि कौन सी कितनी चार्ज वहाँ पर है एंड चार्ज हो रही है नहीं, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर आपको फ़ोन पर मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक्साइट बैटरी को आप यहाँ पर इनपुट करोगे तो ये आप सुविधा नहीं पाओगे, तो यही एक दिक्कत की बात है, बट लगभग और बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, आप सिंपली लगा सकते हो, कोई भी डर आपको नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है अभिक दास के, यहाँ पर अभिक दास ने बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं रीड करता हूँ। भाई गेम खेलार समय एर बैटरी बैकअप कत मिनट, आमार 2060 RTX 4 कोर CPU Ryzen 24 फुल HD सुपर फ्लिट, यहाँ पर FHD सुपर एमुलेट बोल रहा है, सैमसंग मोनिटर 16 GB कॉर्सर भेंजन DDR4 JBL साउंड सिस्टम कूलर मास्टर कैबिनेट विथ बिग फोर फैंस, आमी ए UPS टा ऑर्डर दिए छी, तुम्हार वीडियो ता खूब भालो, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर इसका कमेंट को समझ गया हूँ, ये बोल रहा है कि इसका जो 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 प्रोसेसर है एंड GPU वगैरह सब बल दिया है, इसका जो बैटरी है, इसका जो हमारा एक देखिएगा वीडियो आ गया है 1100C का, 1100C जो UPS है, उस वीडियो से हम इसे कमेंट को रिपिक किया हूँ। तो यहाँ पर से वो बोल रहा है कि मेरे जो है ये एक है, ये जो आप देख सकते हो कमेंट पे, तो यहाँ पर से मुझे बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर भाई कह रहा हूँ आपके जो आप सपोज हाई एंड गेम खेल रहे हो जिसे GTA ASITM AN6, उसके बाद PUBG वगैरह खेल रहे हो, फ्री फायर वगैरह खेल रहे हो, बहुत ही हाई ग्राफिक्स वगैरह आप प्ले कर रहे हो, बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम, तो हम आपको बोल देता हूँ यहाँ पर से आपको सिक्स मिनट का, यहाँ पर आप मान लो 6 मिनट के आसपास ही होगा आपको बैटरी बैकअप बैटरी सेवर करने से। अब देखिएगा बैटरी सेवर एक ऑप्शन है, उसे ऑन करने से आपको जो है 6 मिनट का सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, 6 मिनट का आपको यहाँ पर गेम अनलिमिटेड खेल सकते हो, नो डाउट। तो हम यहाँ पर से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में हम उसमें से 10 कमेंट को हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो आप सिंपली कमेंट करो एंड आपके कमेंट के रिप्लाई हम वहाँ पर भी दूंगा एंड आपके यहाँ पर सारे कमेंट बॉक्स में भी दूंगा जो जो अच्छे अच्छे कमेंट करेगा। तो चलिए इस तरह के और कमेंट बॉक्स एंड और अच्छे तरह के वीडियो जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन कॉल कर लेना एंड प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे लगने से लाइक ठोक देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जय हिंद जय भारत।